हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो मैं लेके आ गई हूँ अपना शॉपिंग हॉल, अपना पसारा। ये जो उस दिन मैंने शॉपिंग की थी और उसके बाद ना मुझे इतनी थकन जैसी लग रही थी ना, तो मैंने कोई वीडियो 3-4 दिन बनाई ही नहीं और ना ही वीडियो डाला, कोई अपडेट डाला। 3-4 दिन मुझे लग रहा है कि हाँ, मतलब 2 दिन तो हो गए, 2 दिन से वीडियो नहीं जा रही है। तो मैं लास्ट संडे को गई थी, नहीं हाँ संडे को गई थी, मतलब वहां पे जो ये CBBC से, ये मुझे पॉलिथीन ही बड़ी अच्छी लगती है। मैंने 2-4 तो ऐसे ये वाले मांग के भी लाए हैं, लाई हूँ मैंने, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये पॉलिथीन। यहाँ पे सबसे बढ़िया दुबई की एक बात बता दूँ, आपको ना पता हो तो, पॉलिथीन के मामले में तो भाई क्या कंट्री है। आप कितना भी पॉलिथीन ले लो, कलेक्ट कर लो, हर एक चीज के लिए आपको एक पॉलिथीन ले सकते हो, कोई आपको रोकता ही नहीं पॉलिथीन के लिए। जो कि पॉलिथीन यूज करना बहुत बुरा है, बहुत सारी कंट्री में तो पॉलिथीन यूज ही नहीं होता, बैन है। लेकिन UAE में पता नहीं उसको, मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग कचरा ऐसे फेंकते हैं और पॉलिथीन ऐसे बाहर है या समंदर में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उसका रिसाइकलिंग का पूरा मेथड बना होगा, इसलिए यहाँ पे यूज करने देते हैं। लेकिन जो भी हो, इस कंट्री में अब पॉलिथीन अभी तक बैन नहीं है, लेकिन ये सजेस्ट करते हैं, जैसे कैरीफूर और लुलू में बोलते हैं कि आप लोग प्लास्टिक ना यूज करो, पॉली वो सब जो कॉटन के और जूट के बैग भी मिलते हैं उसकी तरफ जाने को बोलते हैं, लेकिन फिर भी पॉलीथीन बहुत मिलता है तो नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिलता है, उसका रिसाइकलिंग का प्रोसेस यहाँ पे बहुत अच्छा है, जैसे अदर कंट्री में नहीं होगा, यहाँ पे है। तो जल्दी से शुरू करती हूँ मैं अपना शॉपिंग हॉल और करूँगी आपसे ढेर सारी बातें। मेरी मतलब मेरा मन था कि आज थोड़ी बातें कर लेती हूँ और शुरू करते हैं। पहले क्या क्या लिया है मैंने, खुद ही जैसे आया है वैसे ही रखा है। तो सबसे पहले मुझे यही दिख रहा है, ये देखिए अद्दू महाराज का ये स्लीपर, बहुत ही प्यारा सा है। तो अद्दू का जब भी मैं लेती हूँ तो बड़ा लेती हूँ, साइज में थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ कि उसको आ जाए। और ये रेड कलर का है, तो इस बार अद्दू का रेड रेड ही हुआ है। और ये मैं अद्दू का दोनों ही शूज और ये दिखा रही हूँ, ये स्केचर का शूज लिया है हम लोगों ने, ये वाला शूज जो है स्केचर का रेड में, ये बहुत ही प्यारा है। और साइज काफी बड़ा लिया है मैंने, ये लिया है 33 यूरो साइज, तो 1-2 साल तक होगा आराम से। अभी तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऑफर में मिल जाता है वहाँ पे तो काफ़ी सही रहता है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें दिखाई थी। ये 10-10 दिरहम के कॉटन का ऐसे बनियान जैसा है, बहुत ही प्यारा है, कोई भी पहने इसको, कोई भी पहने। व्हाइट टी शर्ट हमेशा कभी ज़रूरत होती तो मिल नहीं पाता ना, तो ऐसे बनियान आप शर्ट के नीचे भी पहन सकते हो, ऊपर भी पहन सकते हो। गांव में तो लोग ऐसे ही मतलब गर्मियों में ऐसे डाल लेते हैं और दिन भर ऐसे ही रहते हैं, तो उस तरह का कुछ है। और इसका कॉटन बहुत ही प्यारा है। तो और ये एक टी शर्ट है, ये मैंने हस्बैंड के लिए लिया है, ये देखिए 29 दिरहम का ये टी शर्ट है। ऐसे मतलब 85, 65, 75 ऐसे ऐसे मिलते हैं स्प्लैश के टी शर्ट। और ये अध्ययन के लिए मैंने पैंट लिया, ऐसा पैंट मैंने अध्ययन के लिए काफी सारा ले लिया था, मतलब 2-3 साल हो गए वो पहन ही रहा है, अब छोटा होना शुरू हो गया है, तो ये 2 पैंट मैंने लिया है। ये देखिए, तो जो प्राइस देखिए इस पे 30 दिरहम लिखा है ना, तो बिलिंग के टाइम और भी कम आया था, ये शायद 15-15 दिरहम का आया था, तो ये बड़ा मजेदार था। मुझे मतलब ये पता नहीं चला था कि किसका कम आएगा किसका, वो जो मैं उसमें दिखा रही थी ना 2-2, 10-10 दिरहम का वो पेंसिल बॉक्स, वो सब 2-2 दिरहम का आया था। मैंने सोचा यार 10 उठा लिए होते, बढ़िया था, मतलब गिफ्टिंग ऑप्शन, मतलब पेंसिल बॉक्स बहुत ही अच्छा है। तो 10 दिरहम का तो वैसे ऑनलाइन हर जगह आ जाता है, लेकिन उसमें काफी मतलब मुझे सही लगा। ये लिली कूपर का आपको मतलब 15-20 दिरहम का ये ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। एक्चुअल प्राइस इसका 59 दिरहम है, ये देखिए। तो ये थोड़ा मतलब 6-7 साल का बच्चों का। तो ये अध्ययन के लिए ये भी मैंने उठा लिया है, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। कुल अध्ययन के लिए अभी मैं सब जो भी लेती हूँ वो 6-7 साल का या 7-8 साल का टी शर्ट लेती हूँ, तो ये बड़ा प्यारा सा टी शर्ट है, ये देखिए। तो यही है कि वहां पे ऑफर लगा था तो हर चीज का ऑप्शन, बहुत साइज आपको हर समय नहीं मिलता है, कहीं किसी में छोटा था, किसी में लग रहा था इसमें अध्ययन के साइज का मिल जाता, किसी में लग रहा था इसमें अंश के साइज का मिल जाता, 20 दिरहम का।
तो ये दो लिया, जो पसंद आया वैसा ही। और ये मैंने देखिए ऐसे ही रखा हुआ है, तो थोड़ा सा ये फ्रीजी मतलब कॉटन जैसा है ना, ये प्रेस करके पहनने लायक है, बहुत ही आरामदायक कपड़ा होता है। तो इसमें का शर्ट में कई से एक दो तीन कलर है मेरे पास स्प्लैश के, और ये पिंक मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा ये ले लेते हैं, पिंक टी शर्ट पिंक शर्ट लेडीज। देखिए मुझे बहुत बोलती भी नहीं ना, तीन चार दिन से, मतलब थोड़ा सा ब्लॉग में कभी कभी मैं बोलती थी, एक्टिव रहती थी, और तीन चार दिन से मैं एकदम फुली रेस्ट कर रही हूँ, तो मेरी आवाज भी कैसी लग रही ना पता नहीं, मुझे बहुत थकन लग रही। मैंने कहा मैं ब्लॉग नहीं बना सकती अभी। ये देखिए 39 का था, हस्बैंड का हाफ पैंट, स्प्लैश ब्रांड का ही है, स्प्लैश का इन हाउस ब्रांड भी होता है, तो ये काफी अच्छा है। पहने तो ज्यादा पहनते नहीं है, मैंने कहा नहीं एक ऐसा लेके रखो अच्छे। वो जीन्स बहुत पहनते हैं, आपने देखा होगा वीडियोस में भी, तो वो जीन्स पे कुछ भी कर सकते हैं, लोग बोलते भी हैं कि आप जीन्स में बहुत ही कंफर्टेबल रहते हो। ये कप, ये भी वही 7 दिरहम का था। वीडियो में कुछ कुछ चीजें आ गई हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं आई हैं, मैं आपको शॉपिंग हॉल दिखा रही हूँ जो कि बहुत लोगों को देखना पसंद होता है। और ये जो है ना, ये स्ट्रेनर, मेरे पास बहुत सारे स्ट्रेनर है, लेकिन ये रेड कलर का मैंने कहा ये ले ही लेती हूँ मैं। बहुत बार मैंने देखा है ऐसे लोग अपना कोई भी पल्सेस होते हैं ना, दाल चावल और कुछ ऐसा छोटा छोटा चीज, जैसे बीन्स काट के रखा है, छोटी छोटी चीजें कुछ भी, तो ऐसे आप ड्रेन जब करते हो तो वो गिरता नहीं है, शायद मैंने अभी यूज नहीं किया है, तो बहुत टाइम से मतलब सालों से ये देख रहे हैं सब यूज करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं लिया था, तो मैंने कहा क्यों ना इस बार लिया जाए। और काफी अच्छी साइज है, स्टर्डी बहुत है, और ये इसका साइज बहुत अच्छा है, तो मैंने बहुत मतलब बहुत बार मैंने देखा थोड़ा सा ये कड़ा रहता है और अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं लेती थी, इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन ये मुझे रेड कलर में मिल गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो ये ले लिया मैंने इस ट्रेनर। देखते हैं कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या मतलब, कुछ भी आप धो के ऐसे करोगे तो ऐसे करके रख भी सकते हो, तो जानते होंगे आप सभी ये बहुत ही फेमस है। और ये विश्वास करिए आप, इसमें 10 दिरहम लिखा है, ऐसी चीजें वहां पे जितनी भी थी 10 दिरहम लिखी हुई थी, सब 2-2 दिरहम की थी, कितनी सारी चीजें। तो वो 2 दिरहम वाली शॉप मैंने आपको दिखाई थी ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे शुरू में पता ही नहीं था, तो मैं वीडियो मतलब ऐसे ही ले रही थी, और उसके बाद मुझे पता चला कि ये सारी चीजें जो भी है 2-2 दिरहम की है। तो ये तो नॉर्मली स्प्लैश काउंटर का ही है, तो ये भी 2 दिरहम का था। स्प्लैश पे भी बहुत सारी चीजें, जैसे छोटी छोटी जो भी चीजें थी सब 2-2 दिरहम की थी। तो ये देखिए, ये पेंटिंग मैंने ली है, इसमें तो जो प्राइस लिखा था वो वैसा ही है। मैंने मतलब कि अंश को अभी इंटरेस्ट आने लगा है, हम लोगों के साथ जब शॉपिंग करता है ना, मम्मी ये ले लो, तो ये पीछे देखे ना मेरे, एक पेंटिंग लगी है गिर गई है, उस पर 1-2 भी अजू ने लिख दिया है, तो मैंने कहा एक पेंटिंग तो संभाली नहीं जा रही और लेके कहाँ, थोड़ा सा वेट है इसका, तो यहाँ पे वही है कि कहाँ से कीले लगाओ और कहाँ से मतलब करोगे। मैं उनसे बोला और फिर ये बोले मैं करूँगा लगाऊंगा, देखो कब लगेगा मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन ये पेंटिंग हम लोग बचपन में ना ऐसे लगाते थे, वो ऐसे भी आता था ना चार्ट टाइप का, ये तो मान लो इसमें फ्रेम जैसा है ऐसा है, ये देखिए, तो उसको अच्छा लगा अंश को, हम लोगों ने ले लिया है, कब लगेगा पता नहीं, वही है शेयर करूंगी मैं आपसे। और ये मैंने, मुझे मेरी किस्मत में ये है कोई मुझे कमेंट भी आया था कि हमें भी चप्पल सैंडल नहीं मिलते फैंसी और अच्छे, जो भी मुझे कभी नहीं मिलता, मैं ट्राई करती हूँ थक जाती हूँ, मतलब शॉप्स में जाना ये वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मैं जब साइज वाइज बोल के ढूंढने लगती हूँ ना, वो उस बात में थक जाती हूँ। ऐसे ही घूमते रहो तो मुझे ठीक लगता है, कुछ दिख गया ले लूं। मैं शॉपिंग के लिए यहाँ दुबई में जब से हूँ तब से आदत जैसे पड़ गई कि ऐसे पर्टिकुलर शॉपिंग के लिए हम फिक्स नहीं जाते कि यही चाहिए तो यही लेंगे, और यहाँ पे ऐसे ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि जो भी नया आता है उस पे एक महीने बाद बहुत भारी डिस्काउंट आ जाता है, तो किस पे आप लोएस्ट प्राइस रहते हो तो आइडिया हो जाता है। मैंने कई बार बताया है कि लोएस्ट प्राइस जब आता है तो हम लोग लेते हैं। और ये देखो इस ब्रांड का, ये चप्पल तो अच्छा ही होगा, ब्रांड भी अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल है, काफी कंफर्टेबल है, लाइट वेट है बहुत ही, आप जैसे पहन लेते हो ना तो लगता ही नहीं कि आपने चप्पल पहना है, तो ऐसा है बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी किस्मत में यही है, या तो क्रॉक्स स्केचर्स में भी आजकल ऐसे आ गए हैं, वो हो गया, और क्या करें फैंसी नहीं मिला मुझे तो मैं सच बता रही, जब वो आप वीडियो बना रही थी ना तो मैं वो देखी कि एक लेडी थी, फ्लैट था वो, जो पिंक वाला हील था ना, आपने वीडियो में देखा होगा,
पिंक वाले हील का ऐसा एक फ्लैट मतलब कि ऐसा उसमें बेल्ट था और पूरा उसमें वो नग और जो भी डायमंड की तरह लगे हुए थे वैसा था और वो ले गए मेरे सामने से। मैंने कहा मतलब पहले दिन अगर आए होते तो शायद सारे साइजेस अवेलेबल होते, आज तो नहीं। तो किस्मत भी होती है, हम लोग शायद थर्ड फोर्थ डे पे गए थे, अभी तो फर्स्ट तक है लेकिन लास्ट तक जानते हैं कोई सेल होती है और ईद दिवाली वाली जो सेल होती है ना बहुत भीड़ हो जाती है। तो हम लोग शाम को गए थे, वो भी रमादान का टाइम इफ्तार का टाइम था तो बहुत भीड़ नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन शाम को भीड़ हो जाती है। बहुत सारी ऐसे मार्केट इस समय लगे हुए हैं। तो ये मेरा सेवियर यही है। जैसे हर्ष पपीज में आप ले सकते हो, जैसे जिसमें क्लार्क्स जो ब्रांड आता है शूज का उसमें ले सकते हो, तो वही लेदर में ब्रांड के जो चप्पल होते हैं वो हमारी किस्मत में है क्योंकि हमारी साइज बड़ी है, फैंसी कुछ नहीं है। और मैंने एक ये लिया, ये देखिए इस ब्रांड का, ये ब्रांड मैंने देखा है इंडिया में बड़ा लेते हैं, ये देखिए कैस्प्रिया, पता नहीं मुझे पढ़ने नहीं आता इतना, ये वाला ब्रांड देखिए, ये इसमें ये बेल्ट है और ये वाला ऐसे, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मेन ये कलर बहुत अच्छा लगा तो मुझे ये ऐसा लाइट कलर या वाइट में कुछ अभी मैंने कभी लिया नहीं था तो मैंने सोचा ये बैग लेते हैं ऐसा, और अच्छा है, 129 का था ये ऑफर में, ये बैग लिया मैंने। और मैं आपको दिखाती हूँ ये पिटारा खोल के, मेरा 2 दिरहम वाला जो अभी आइटम था, बहुत सारा आइटम था, तो ये सब जो मैंने दिखाया था। और उस समय हमने लिया बहुत सारा लेपर्ड प्रिंट का, ये सब मास्क, ये सब 2-2 दिरहम के हैं। मैंने कंघी लिया, कंघी जो बहुत जरूरी है, रबर बैंड, ये सब मैंने दिखाया था वीडियो में, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दी। ये बाउल मतलब घर पे आने पे लग रहा है इसको 2-4 और ले लेना चाहिए था। टी लाइट कैंडल होल्डर जैसा है, आप कुछ भी यूज ड्राई चीजें खा भी सकते, छोटी छोटी चीजें कुछ भी रख सकते हो, बहुत प्यारा लगा मुझे ये देखिए। तो ये मुझे लग रहा है अभी 2-3 और लेना चाहिए था, लेकिन यही है चीजें छोटी छोटी देखो ना तो बहुत क्या मोह लगता है कि ले लो, फिर बाद में यूज क्या होगा उसका भी सोचना पड़ता है। तो ये मतलब आप क्वाइन रख सकते हो इसमें, तो इसका 2 लिया मैंने। ये कुछ तो इन्होंने चार्जर कुछ तो लिया है, ये देखिए 2 दिरहम का चार्जर, ये बड़ा जरूरी चीज है मेरे घर में, मैं इसको मतलब ये फेंकती हूँ और ये फिर आता है, फिर फेंकती हूँ फिर आता है। तो ये देखिए ये भी 2 दिरहम का है, ये स्प्लैश काउंटर से था, छोटे छोटे जो आइटम मैं बता रही थी स्टेज, सॉरी ये 2 है बाबा, मुझे नहीं पता था भाई 2 है, ये है 2, ये रस्सी मुझे जैसे इसमें कुछ भी करना हो तो कर सकती हूँ बालकनी में अपने। और ये देखिए टेप, मैं बहुत अच्छा सिलाई करती हूँ, मैं ये सब चीज़ें भी देखती हूँ तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ, काश मैं सिलाई कर पाती, मुझे पास ऐसे मशीन होती और कुछ भी सिलना होता तो मेरा दिन तो यूं ही बीत जाता है। मेरा बहुत सारा टाइम पढ़ाई के अलावा उस टाइम जब मतलब टीनेजर और जब मैं शादी के पहले वाला टाइम सिलाई में बहुत टाइम बिताया मैंने। ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेडिटेशन तरह की तरह लगता है मुझे, सिलाई करना मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए लोग क्या रेस्ट मार रहे हैं। बहुत गर्मी हो गई है। तो यही सब था मतलब शॉपिंग जो भी उस दिन मैंने किया था, मैंने सारा कुछ आपको दिखा दिया। एक साथ ऐसे ही पॉलिथीन रखा हुआ था तो अभी मैं इसको रख दूंगी, और बस ऐसा मतलब बहुत छोटा छोटा शॉपिंग था, बहुत ऐसा कोई बहुत ज़रूरी शॉपिंग नहीं था। लेकिन वो 2 साल बाद वाला जो था ना कि अरे वो वाली सेल लगी हम लोग चलते हैं, तो चले गए थे और कुछ ना कुछ तो जाओगे तो आप ले ही लोगे ऐसा था। और चप्पल का मुझे बहुत लग रहा था लेकिन कुछ मिल जाए तो यही मिला है। और तो यही थी मेरी शॉपिंग। हाँ जी, तो चलिए ये पसारा फैल गया है, और अभी आद्यंत स्कूल से आने वाले हैं, बस वही 11:15 हो गए हैं, मतलब 11:15 तक आ जाएंगे और ये ऑलरेडी नीचे जा चुके, मैं इनको नीचे भेजा है। मेन मेरा एक बात, मैं आपको मतलब कैसा लगेगा पता नहीं, लेकिन जैसे घर में सब लोग रहते हैं ना तो मैं ऐसे खुल के बातें नहीं कर पाती, मैं
शायद बोल भी चुकी हूँ ऐसा, मैंने कहा थोड़ा नीचे चले जाओ, मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ। मतलब 3 दिन से यही, मतलब सब लोग यहीं पे, मतलब इनका घर से अक्सर काम रहता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बोलने वाले ब्लॉग्स, कुछ दिल की बात, आप उस जोन में आओगे तब तो बोलोगे। मैंने कहा थोड़ा नीचे जाओ, मैं बोल लेती हूँ थोड़ा सा, अगर कुछ हॉल के साथ हॉल वीडियो शूट करना है और उसके साथ अगर कुछ बात करनी है, तो ये थोड़ा मतलब पहले चले गया आद्यान को लेने, और थोड़ा सा यहाँ नीचे नहीं उतर सकते, कहाँ ही जाओगे आप। तो मैंने कहा तुम नीचे जाओ, गाड़ी में रहो, जाओ फोन ऑन कर लो किसी को। मुझे बहुत शर्म आती है, मैं अभी तक मतलब मेरे 300 वीडियो के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक खुल के किसी के सामने ना ब्लॉग कर पाती हूँ ना बोल पाती हूँ, लेकिन करना चाहिए ना। ये नहीं करोगे तो आप कहाँ से ब्लॉगिंग में आओगे। और मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, फिर भी मतलब बहुत कुछ अपने लेवल पे मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि मैंने बहुत बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरे में। और ऐसा नहीं होता जैसे लोग व्यूज और सब्सक्राइबर देख के ही आपके चैनल को जज करते हैं और उसके साथ आपको भी जज करते हैं कि अरे अच्छी नहीं होगी तभी तो वीडियोस मतलब नहीं चल रहे हैं या कुछ भी। तो हम यूट्यूबर्स का क्या होता है, मतलब हम ब्लॉगिंग जो करते हैं वो अगर ब्लॉग नहीं बना रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ते रहते हैं। पढ़ाई मतलब अगर मैंने ये 4 साल वीडियोस जो देखे हैं ना, आज की डेट में यूट्यूब जो हो गया है वो एक पढ़ाई कोर्स हो गया। अगर मैंने इतना मन लगा के कोई कोर्स किया होता 4 साल में तो इंजीनियर बन गई होती मैं। सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं चलता है तो इस लगता है कि अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं होगा इसीलिए तो नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा जो YouTube पे आना चाहते हैं, और मुझे देख के लग रहा होगा ना कि आपको हाँ लगभग काफ़ी टाइम हो गया, बीच बीच छोड़ छोड़ के मैंने 2 साल पूरे लगभग हो जाएंगे अभी जुलाई में, तो ऐसा अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे इसमें पूरे डेस्परेटली आना है, इसमें रहना है और इसमें मज़ा आ रहा है मुझे, तो ये है। तो काफ़ी टाइम बिताया मैंने, और पता नहीं मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, जो YouTube से रिलेटेड चीज़ें इतना नहीं देखते तो उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, शायद वो सीधा ब्लॉग देखते हैं और निकल जाते हैं। हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं इस फील्ड में, की पढ़ाई भी बहुत है आजकल, सारी पढ़ाई आप ऑनलाइन कर सकते हो, और मैं उसको पढ़ाई के तौर पे देखती हूँ। और ये मैंने सीखा है पिछले 3 दिन की मैं बात बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। आप सुबह उठो, आपको ऐसा होना चाहिए कि आप एक जॉब करते हो ना, आप सुबह उठो, नहाओ धो, जो भी पूजा करनी है आपको, ब्रेकफास्ट करना है, घर मेंटेन करना है, सब कुछ साथ में, आप जॉब भी करनी है, वो सब चीज़ें मैं अपनी लाइफ में लाने का ट्राई कर रही हूँ। कई लोगों से मैंने सुना है और इसको फॉलो भी करना चाहिए। हम लोग लेजी हो जाते हैं कि घर में ही तो हैं, कर ही लेंगे, लेकिन जैसे हस्बैंड लोग होते हैं ना, अक्सर मेरे हस्बैंड घर से काम करते हैं, तो मैंने उनको देखा है सुबह रेडी हो गए, अपना बैठ गए और काम शुरू किया, मतलब शाम को 5-6 बजे तक काम करते हैं। शायद वो लोग इतना करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे मेरा काम है, ऑफिस में हो चाहे घर में मुझे काम करना है। वैसे हम लोग क्यों नहीं करते, हम लोग जो भी ब्लॉग बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको भी सुबह मतलब एक टाइम से शुरू करो और आप 5-6 बजे तक, उसके बाद आपके घर का टाइम शुरू हो जाता है। तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ और आपका सपोर्ट चाहिए। आप जो भी है रोज का रूटीन मैंने बोला था डालूंगी, और 3-4 दिन मैंने बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसा ज़रूरी भी है कभी कभी, जब आपका बॉडी मांगता है ना कि आप रेस्ट करो, तो रेस्ट मूड में चला जाना चाहिए। जैसे मोबाइल होता है ना, अपने आप ही रेस्ट मूड में चला जाता है, तो बॉडी भी कभी कभी आपको सिग्नल्स देती है, तो वही पिछले 3 दिन में मेरे साथ हुआ। और काफ़ी कभी कभी सैड भी हो जाते हैं, काफ़ी रोने का भी मन करता है, काफ़ी रोई भी मैं 3 दिन में। सच्ची में मैं रोई भी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ऑन कैमरा नहीं कह सकते हो लेकिन होती हैं, तो आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो और करना चाहते हो, तो मैं करना चाहती हूँ और मैं करना मतलब पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बस मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बिजी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बता नहीं सकती, पिछले 3 दिन से 4 दिन से जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ ना, तो जैसे लगता है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एकदम ब्लैंक जैसा लगता है। तो मुझे तो ये ऐसा हो गया, आप जितने भी व्यू आते हैं, जितने भी आप देखते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो ये करना ही है, मैं नहीं कर रही हूँ तो उस दिन मुझे ज़्यादा परेशानी होती है, मेंटली परेशान हो जाती हूँ मैं, क्यों नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ।
तो बस आज थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, तो मतलब हॉल आपको दिखाना था और आपसे थोड़ी बात करनी थी, मैंने कर लिया। लेकिन मैं ब्लॉग रोज बनाऊंगी, और जो भी कभी कभी रेस्ट मूड में, वही है, मैं कभी कभी एकदम ड्रेन हो जाती हूँ तो रेस्ट मूड में चली जाती हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि उस दिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रहिए, मजे करिए, एंजॉय करिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।